मैं रचना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थान की खास मिठाई जो सभी को बहुत पसंद आती है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं घेवर, जो दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता ही है पर खाने में उससे ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं घेवर। तो हम घेवर बनाने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक कटोरी। मैंने यहाँ पर चीनी ली है। मैं इस चीनी को इस बर्तन में डाल लेती हूँ और इसी कटोरी से मैं आधी कटोरी इसमें पानी डालती हूँ। तो मैं यहाँ पानी डाल देती हूँ और हमें यहाँ पर इसकी फ्रेंड्स चाशनी बनानी है एक तार की। तो मैं यहाँ गैस चालू कर देती हूँ और इसे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चाशनी को बनने के लिए रख दिया है और हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब हम घेवर बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बड़ा वाला चम्मच भर के इसमें घी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5-6 आइस क्यूब लिए हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और अब मैं इसको चला लेती हूँ मिक्सी को। यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे एक चम्मच दही और थोड़ा सा और चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से हमारा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। तो हम आधा आधा डालेंगे, आधा डालूंगी मैं और इसमें मैं पानी डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये फ्रिज वाला पानी लिया है। तो ये मैंने फ्रिज में जो बोतल रखी थी वही लिया है। तो मैं इसमें थोड़ा डालूंगी और इसको फिर से मिक्सी में चला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से हो चुका है। तो मैं फिर से यहाँ पर आधा जो हमने मैदा बचाया था वो डाल रही हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पर इसमें कुल मिला के आधा लीटर पानी डाल दूंगी। तो ये देखिए, मैं और चला लेती हूँ इसको थोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा बैटर इस तरीके से हो चुका है। तो मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ, मैंने एक चम्मच बेसन लिया है। तो मैं ये भी इसके अंदर डाल देती हूँ और एक बार और मिक्सी में अच्छे से इसको चला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है और हमें इसी तरह का बैटर चाहिए था। तो हम यहाँ पर एक केचप की बोतल ले लेते हैं। ये देखिए, मेरे पास इस तरह की केचप की बोतल है। तो मैं इसमें ये बैटर डालने वाली हूँ। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सारा बैटर इस बोतल में डाल दिया है और अब मैं इस बोतल को फ्रिज में रख देती हूँ। तो अब हम देख लेते हैं हमारी चाशनी को। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बीच बीच में चाशनी को अच्छे से हिला दिया था। तो ये देखिए, हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई। तो हम इसमें यहाँ पर फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसको 1-2 मिनट हिलाएंगे और गैस बंद कर देंगे। तो इसको हमने 1-2 मिनट तक अच्छे से पकने दिया है। तो यहाँ पर चाशनी भी बन गई है और इलायची का भी अच्छे से फ्लेवर जा चुका है। तो हम चाशनी को रख देते हैं और घी गरम रखते हैं। मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है जिसमें हम घेवर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ इसके अंदर पर। घी ले लिया है, अब हम इसको गरम करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर घी में बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे तेल में भी बना सकते हो। तो घी गरम होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा घी गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे बैटर डालेंगे और घेवर बनाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बीच में हम इसको ऐसे करेंगे ताकि हमें इसमें बीच में छेद रखना है। तो हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो आप जब भी बनाएं तो ध्यान रखिए आप भगोने में ही बनाएं, क्योंकि हमें इस तरीके से इस पे आसपास की इसकी लेयर भी चाहिए। और फ्रेंड्स, आप जब भी बनाओ तो आप घी या तेल कुछ भी लो, हम यहाँ तक ही भर के लेंगे आधा ही, क्योंकि ये उबल के आएगा तो ऊपर तक आता है। तो हम इसको बीच बीच में ऐसे ही करेंगे तो ताकि यहाँ पर हमारा छेद बना हुआ रहे। आप देख सकते हैं, ये देखिए, हमारा घेवर बन चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। अब मैं इस प्लेट में एक स्टैंड रखती हूँ। ये देखिए, तो इसके ऊपर हम घेवर रखेंगे तो जो भी घेवर का एक्स्ट्रा का तेल होगा वो इस प्लेट में निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा घेवर बन चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको एक प्लेट में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने घेवर बना लिया है। अब हम दूसरा घेवर भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने दूसरा वाला घेवर भी यहाँ पर बना लिया है। तो इसको भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ और इस तरीके से मैं सारे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारे सारे घेवर बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनमें रबड़ी लगाने वाली हूँ
और अगर आप रबड़ी नहीं लगाना चाहते, आपका मन हुआ कि आप बाद में खाने वाले हो, तो आप इसे फ्रिज में 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं। आपका जब भी मन हुआ तो आप इसे निकाल के खा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक घेवर निकाल के उसमें रबड़ी लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर चाशनी ले लेती हूँ, जो हमने बना के रखी थी वो वाली चाशनी, तो मैं इसके ऊपर चाशनी लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रबड़ी ले रही हूँ, तो मैंने ये रबड़ी पहले से बना कर रखी थी, तो ये भी हम घेवर के ऊपर लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ घेवर पर रबड़ी लगा दी है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ इसमें काजू, यहाँ लगा रही हूँ बादाम, डाल रही हूँ मैं पिस्ता। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा घेवर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही यमी बना है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट से लाते हैं ना, वैसा ही बना है। तो फ्रेंड्स, ये मिठाई राजस्थान की फेमस मिठाई है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।